नमो नमः। आज इस वर्चुअल स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम कथक और ओडिसी नृत्य की रचनाएं आपके समक्ष लाए हैं। हमारे महागामी गुरुकुल के उदीयमान नृत्य कलाकारों की कुछ प्रस्तुतियां आपके समक्ष रखते हैं और आशा करते हैं कि आप इसका आस्वाद लेते हुए इसका आनंद लें और इसको आशीर्वाद प्रदान करें। भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ नन्हे बालिका को भी देवी के रूप में देखा जाता है, तो वहीं माँ को देवी स्वरूपा, हर स्त्री में देवी को देखना ये एक परंपरा रही है। देवी हमें एहसास दिलाती है कि दिव्यता हमारे अंदर विद्यमान है, वो सत्य के रूप में है, निडरता के रूप में है, बुद्धि के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, कला के रूप में है। और जब कभी अंधकार हमारे सामने आता है, अनभिज्ञता का या बुराई का, तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। देवी की इसी परिभाषा को हम सदैव नृत्यकार नए नए तरह से दिखाते हैं। भगवती
जलबिंदु। जलबिंदु भण रक्षणम कुरु मम। संस्कृत भाषा में ये एक छोटा सा गीतम, जिसका मुख्य उद्देश्य और भावना ये है कि हम जलबिंदु को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे जलबिंदु भण आके कहो, हम तुम्हें कहते हैं, रक्षणम कुरु मम, मेरी रक्षा करो और मैं भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। सर्वे जनेभ्य देही संदेशः, हम सबको मिलकर यही तो संदेश देना है, आइए जलबिंदु का रक्षण करें, तभी ना वो हमारा रक्षण कर सकेगा। जीवन सुखदा जलमयी सरिता, भारत माता भवती बहु सुजला। Thank you.
रक्षणं कुरु।